संत कालीचरण खुजराहू से गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इसके बाद इस टिप्पणी पर खास तौर पर FIR दर्ज की गई थी, लेकिन कुछ देर हुई, लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है। महात्मा गांधी पर टिप्पणी की गई थी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था, गोडसे को क्रांतिकारी बताया गया था, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हो गई है। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तारी हो गई है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तारी हुई है और थाने उन्हें खास तौर पर ले जाया गया है। फिलहाल बताया जाता है कि कालीचरण महाराज अब जेल में थोड़े दिन काटेंगे। फिलहाल FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई थी, गिरफ्तारी उनकी हो गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है क्योंकि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल धर्म संसद उत्तराखंड के अंदर लग रही थी और धर्म संसद में अलग अलग संत बयान दे रहे थे। उन्हीं में से एक संत थे कालीचरण महाराज, जिन्होंने महात्मा गांधी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, गोडसे को क्रांतिकारी बताया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया और फिर गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, जिसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं जो JK 24/7 न्यूज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उज्जवल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, हमारे संवाददाता। उज्जवल, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्या थाने इस वक्त ले जाया जा चुका है, क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। उज्जवल बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें विवादित धर्म गुरु कालीचरण की, तो बीते कई दिनों पहले, देखिए कुछ दिनों पहले उन्होंने रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार देखिए उनके ऊपर कई जगह केस जो है वो दर्ज कराए गए थे और रायपुर लाने की उनकी कार्रवाई जो है वो जो मांग की जा रही थी। अगर आज की बात करें तो देखिए कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है और अब तक देखिए कालीचरण जो है वो फरार बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जो है उसको पकड़ लिया है। अब उसे रायपुर लाने की जो कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है, की जा चुकी है और इसके बाद जो है हम ये कैसे देख सकते हैं कि रायपुर जो है उसको ले जाया जा सकता है। उनके ऊपर जो तमाम जितने केस दर्ज किए गए हैं, आगे की जो पूरी प्रोसीजिंग है वो की जाएगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी इस जो खबर यही है कि धर्मगुरु कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खजुराहो से उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड में बयान दिया गया, रायपुर से गिरफ्तारी हुई और जो सवाल कांग्रेस खड़ी कर रही थी वो उसी पर ही सवाल बीजेपी ने खड़ा कर दिया कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर कालीचरण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, आखिर इसमें देरी क्यों लगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें राजनीति भी बखूबी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए जब से ये विवादित बयान दिया गया था धर्मगुरु कालीचरण द्वारा, तब से लगातार कहीं ना कहीं देखिए केस तो उन पर दर्ज हुआ था, लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो अभी तक कालीचरण को जो है वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। देखिए जब से ये विवादित बयान जो है पूरे मीडिया के सामने आया था, तब से कहीं ना कहीं जो धर्मगुरु कालीचरण था वो फरार हो गया था, तो तभी से ही कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो ये पूरी कोशिशों में जुट गई थी कि कालीचरण को किसी तरीके से।